घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। अब मैं जो भी बात करूंगा वो सिर्फ तुझे मारने के बाद करूंगा। पुष्पा पार्ट 2 में पुष्पा के बाप का भी पता चल सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोस। मैं वर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ पुष्पा 2 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। साउथ की प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग के साथ उनके दिमाग में स्टोरी क्लियर होती है। वो देश, समाज, क्राइम, प्रेम सब एक में ही बनते हैं, ऐसा मेरा मानना है। पुष्पा पार्ट 1 में तो मसाला था ही, लेकिन वहीं पुष्पा पार्ट 2 में मसाले में मसाला, फुल ऑन गरम मसाला विद एक्स्ट्रा काले मिर्च बन रही पुष्पा 2। और ये मूवी के लिए लोग काफ़ी बेताब हैं, चाहे वो कोई आम आदमी हो या फिर क्रिकेटर या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ कोविंद ही क्यों ना। क्योंकि देश भर में इन दिनों एक्टर अल्लू अर्जुन और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना स्टारर मूवी पुष्पा की दीवानगी जोरों पर है। इस मूवी के डायलॉग सभी के जुबान पर सर चढ़े हुए हैं। चुनाव प्रचार में उतरे रक्षा मंत्री राजनाथ भी पुष्पा का पॉपुलर डायलॉग बोलकर सुर्खियां बटोरने में पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पुष्पा मूवी के एक डायलॉग के साथ जोड़ा था। लेकिन यहाँ हम दर्शकों बात पुष्पा पर किसका खुमार सर चढ़ कर बोल रहा है इसकी बात तो करने नहीं आए हैं। हम तो आए हैं ये बताने कि जिस पहले पार्ट में, यानी पुष्पा के पहले पार्ट में, जहां टाइम टू टाइम पुष्पा का नाजायज होने का और उसके बाप का नाम ना होने के जख्म को जो समाज हमेशा कुरेदता रहता है, उसी दर्द और जख्म को कम करने के लिए पुष्पा पार्ट 2 में पुष्पा के बाप की एंट्री करवाया जा सकता है, जो कि हो सकता है कि उन पॉलिटिकल पार्टीज में से ही कोई एक शख्स हो जो आगे जाके पुष्पा का बैकबोन बन सकता है और उसे हमेशा के लिए उस जलील वाले दलदल से निकाल सकता है। वेल दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें। थैंक यू।